नमस्कार भाई और बहना, कैसे हैं आप? आपको पता है कि कई बार मैं दवाइयों के साथ साथ में ऐसे कुछ वीडियो डालता हूं जिससे आप सचेत रहें और आप जो बातें भूल जाते हैं उन बातों को मैं याद दिलाता हूं, ताकि आपका जीवन सुखमय हो, आपकी इज्जत बढ़े, आपकी वैल्यू हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से बताने जा रहा हूं कि आपकी वैल्यू कैसे बढ़े। कुछ लोग ऐसे अपना जीवन बिता देते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि उनको वैल्यू अपनी बढ़ानी नहीं आती, अपनी वैल्यू करवानी नहीं आती, इसलिए वो बिना वैल्यू के ही शर्मिंदगी भरे जीवन जीते हुए चले जाते हैं इस दुनिया से। तो आज मैं बताता हूं कि कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाए। आपने एक नियम देखा होगा, डिमांड एंड सप्लाई। जब बाजार में कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाती है, जैसे प्याज है, टमाटर है, सब्जी पे ही ले लो, ज्यादा आ जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और भाव गिर जाएंगे, और जब बाजार में वही चीज कम मिलेगी तो उसके भाव चढ़ जाएंगे। तो ठीक वही हमारे शरीर पे, हमारे मन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़वानी है। आपने देखा होगा कि नेता लोग टाइम देते हैं कि 2 बजे, ठीक 2 बजे मुख्यमंत्री आएंगे और मीटिंग अपनी शुरू कर देंगे, लेकिन नेता लोग 4-4 घंटा लेट करते हैं, 2 से 4 घंटा लेट करते हैं, इसलिए कि उनकी वैल्यू बढ़े। वो अपने आप को व्यस्त बताते हैं, चाहे वो घर पे बैठे गप्पे हाँक रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को व्यस्त बताते हैं और 2 घंटे बाद में पहुंचते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही आपको, आप क्या करते हैं, आपको किसी ने आवाज लगाई, किसी ने फोन किया कि 2 मिनट में उसके पास में पहुंच जाते हैं। यही आपको करना है कि अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है तो कुछ देर ठहर के आओ, या उसको बोलो मुझे अभी काम है, मुझे इतनी देर लगेगी, थोड़ी देर ठहर के आ रहा हूं मैं। और आप भी इसी प्रकार करोगे तो बाजार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप सुलभता से हासिल नहीं हो सकते, इसलिए आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये नियम अपना लो कि डिमांड एंड सप्लाई, जितनी अपनी डिमांड बढ़ाओगे उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, अपने बॉडी का इफेक्ट होना चाहिए कुछ वैल्यू बढ़ाने के लिए। कई आदमी जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहली गंदी आदत क्या होती है कि वो कुर्सी पर बैठते ही लेट जाते हैं, पसर जाते हैं, टांग पे टांग चढ़ा के बैठेंगे, गंदी आदत है, इससे वैल्यू डाउन होती है। नाक में बार बार उंगली मारेंगे, आंख में बार बार यूं करेंगे, तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, ऐसी वैल्यू, घटिया वैल्यू को देखते हुए ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सचेत रहना है कि मुझे कैसे बैठना है, कैसे सामने वाले के सामने पेश करना है अपने आप को, ये चीज भी बहुत जरूरी होती है। तीसरी बात, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। हमें एक बात करने का तरीका होता है, बात करने का तरीका सीखना चाहिए, हमने बात कहाँ से शुरू करनी है, कितनी देर बात करनी है, क्या बात करनी है, धीरे करनी है या तेज करनी है, इस बात को सब परखते हुए आपको इतना प्यार से बात करना शुरू करना चाहिए, और बात करते वक्त आपका IQ जो है वो सामने वाले के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना। आप बात करते हैं तो इतने प्यार से बात करिए कि आपके होठों पे मुस्कुराहट हो, तो सामने वाला इंप्रेस होगा। तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो
अब क्या है कि वैल्यू ऐड करना भी सीखे। जब हम किसी की वैल्यू करेंगे, चाहे वो वैल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले की हम वैल्यू करेंगे तो वो हमारी डबल वैल्यू करेगा। तो हमें क्या है कि वैल्यू हमारी कैसे बढ़ानी है, जैसे क्या है कि आपने देखा है कि लोग जो हटके मरीज होते हैं उनके डॉक्टर लोग जहां भी ब्लॉकेज होता है वहां पे स्टंट डालते हैं। आपको पता है वो स्टंट कितने का आता है? 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, इससे ऊपर का नहीं होता और कुछ नहीं होता उसमें। सिर्फ जो हम बाल पेन के अंदर जो स्प्रिंग देखते हैं, ऐसा ही एक स्प्रिंग होता है, उसको वहां जहां से गैप कम हो गया है, मतलब जहां ब्लॉकेज बढ़ गया है, तो उस जगह पाइप के अंदर वो डाल देंगे स्प्रिंग डाल देंगे तो वो चौड़ाई आ जाएगी और खून का बहाव सही तरीके से होने लग जाएगा। अब उस स्टंट की वैल्यू क्या है? 200-400 रुपए, लेकिन डॉक्टर लोग कितना देते हैं, लेते हैं उसका 2-3 लाख रुपया, क्योंकि उसकी वैल्यू है। वैसे ही हमें वैल्यू बढ़ानी है अपनी, कि हम कहां किसके क्या काम कर सकते हैं और वो काम उसको करके दिखाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी कि वास्तव में इस आदमी ने हमारे साथ में अच्छा किया और ये काम किया। अगर ये आदमी नहीं होता तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता, ऐसा सोचेंगे अगले, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके साथ में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है हमेशा। सबसे पहली बात कि वैल्यू को नष्ट करता है हमारा ईगो। बहुत से लोग होते हैं इतना एटीट्यूड दिखाते हैं अपने अंदर, होता कुछ भी नहीं है, घर पे उनकी इज्जत नहीं होती, लेकिन दोस्तों में या मार्केट में जाएंगे तो इतना अपने आप को बताएंगे कि हम तो बस दादा, हम ही पैदा हुए हैं। तो अपनी बात के ऊपर कभी भी ईगो मत करो, अपने स्किल के ऊपर ईगो मत करो, उसको इस प्रकार नम्रता से पेश करो कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। और सबसे और आखिरी बात जो विनोबा भावे हमें सिखा गए थे कि समय की कदर करो। अगर आपने समय की कदर नहीं किया, समय निकल गया तो आपको पीछे छोड़ देगा, इसलिए समय की कदर करो। कुछ लोग होते हैं 11 बजे उठते हैं, फिर भागम भाग में वो ना नहा सकते पूरा, ना खाना खा सकते, दौड़ेंगे फिर तो आधा दिन तो वैसे सोने में बिता दिया, तो आपकी फिर समय कहाँ रहा आपके पास में। इसलिए सबसे बड़ी बात कि समय की कदर करना सीख लिया तो आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि हद से ज़्यादा। तो इसलिए मेरी ये 5 बातों के ऊपर आपने गौर कर लिया तो आपको दुनिया चाहेगी, आपकी दीवानी बन जाएगी। ऐसा करके देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझसे कोई गलती हुई है वो भी बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।